सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं हाँ गुरप्रीत सिंह बल। तुसीं वेख रहे हो जिंदाबाद चैनल। उम्मीद करदे हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों, अज दी इह वीडियो खास उन्हां लोकां दे लई जो साहित्यिक दुनिया दे नाल संबंध रखदे ने, पंजाबी ते पंजाबीयत नूं प्यार करदे ने। एक ऐसे शख्स दे बारे गल करन लगे हां जिसने एक बहुत छोटी उम्र दे विच बहुत वड्डी उपलब्धि हासिल कीती सी, लोकां दा प्यार मिलिया सी। साहित्यिक दुनिया दे विच उन्हां दे नाम दे अगे लैजेंड वर्ड दा वी इस्तेमाल कीता जांदा। मैं गल कर रहा जी शिव कुमार बटालवी जी दी। शिव कुमार बटालवी जी का जन्म अक्तूबर 1937 महज 25 साल की उम्र उन्होंने लोगों का इन्ना प्यार मिलता है, उन्होंने लिखिया कवितावां नूं लोगों का इन्ना प्यार मिलता है कि 28 साल की उम्र के उन्होंने उस समय का सब तो वड्डा अवार्ड इंडियन लिटरेट अवार्ड यानी कि साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलता है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, दुख की कड़ी उदों शुरू होंदी है जदों सिर्फ 35 साल की उम्र के यानी कि मई 1973 का देहांत हो जाता है। साहित्यिक दुनिया नाल संबंध रखते तो उन्होंने चाहण वाले दे विच एक बहुत वड्डी शोक की लहर दौड़ पैंदी है। दोस्तों, अज तुहाडे नाल एक उन्हां दी ही एक इंटरव्यू सांझी करन लगे हां, रूबरू करन लगे हां तुहाडे, जिस दे विच जदों एक पत्रकार ने उन्हां नूं सवाल किया कि कीड़ी चीज़ सी जिसने तुहानूं कवितावां लिखण लई एक पोएट बनने लई प्रेरित किया, तो उन्हां दा की जवाब सी, आओ वेखदे हां। देखिए मिंदा, जो उसमें सीधी सी बात है कि कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो जिंदगी में, वहाँ हिंदुस्तानी जिंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, एक श्रेणियां हैं बटी हुई, उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था, और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया। ठेस लगी हो आपको? काहे की ठेस? क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, ना उम्मीद होकर, दुखी होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया। इंदिरा जी, ऐसा नहीं था ना, तो मोहब्बत का फर्क रहा। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का, जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है। तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है? वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से, कभी बालों से किसी के, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से। तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो। लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है। एक आध हमको भी सुनाइए। जरूर, गा के सुनाओ। गा के सुनाइए। वाह क्या बात, मंजूर है तो मैं किताब ले लूं? जरूर लीजिए ना। तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा कि पुछ दे हाल फकीरां दा, कि पुछ दे हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जून आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरा दा, ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दही ना तस्वीरा है, रंगा दही ना तस्वीरां है, जद हट गए
असी इश्के दी मुल कर बैठे तस्वीरां दा की पुछते ओ हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा। अच्छा शिव कुमार साहब, आजकल जो भारत की स्थिति है, भारत की हालत है, कभी 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 भागना चाहता है, कभी वो फरार चाहता है, जिंदगी से फरार चाहता है, वातावरण से फरार चाहता है, भागना चाहता है, छुपना चाहता है, अपने आप को ढकना चाहता है। ऐसी स्थिति आपको आजकल भारत में मिलती है? और कभी आप बोधक है उसके साथ ये तो ट्रेड रहेगी, ये दुखांत रहेगा, वो मर रहा है हर पल। मेरा ख्याल जवाब पूरा था कि नहीं।